Thank you.
सफल हो गया आप स्वर्गीय राजू जी भी कर चुकी है एक गाली गुज में शायद उनके पास डेट का कुछ प्रॉब्लम था शूट के टाइम में इससे पहले बिग बॉस में कर चुकी है और एक टीम कार्ड से काम कर हमने लाइव शोज भी बहुत सारे किए हैं और इनके मैं टैलेंट का फ़ैन हूँ क्योंकि ये जितनी सुंदर है सुंदरी जी के बाजू में खड़ी है इसलिए तो सुंदर है ही लेकिन साथ में सुंदरी जी के आशीर्वाद से ये लड़की करिश्मा जो है वाकई कुदरत का करिश्मा है जो सुंदरी जी ने कहा है बहुत अच्छी गायिका है बहुत सुरीली गायिका बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस है बहुत ही खूबसूरत एंकर है और आज तो इन्होंने साबित कर दिया कि खूबसूरत डांसर भी तो प्रतिभाशाली है जिसे सर्वगुण संपन्न कहते हैं ऑलराउंडर तो मैं समझता हूँ कि ऑलराउंडर से पूरी दुनिया मुझे दिखाई दे रही है और पूरी दुनिया एक दिन इनकी फ़ैन होगी और मैंने ये आज भगवान से प्रार्थना की और दुआ की इनके लिए कि अगला बर्थडे शाहरुख खान के साथ इसीलिए तो करिश्मा कुदरत का है हाँ पठान पार्ट टू के लॉन्च पे हो सके गाना भी गाए पठान पार्ट टू ये देखिए हाँ मैंने आते ही कहा था राजेश खन्ना लग रहे हैं राजेश खन्ना साहब इस टाइप के कपड़े ट्रेंड लाए थे काका ने काका मतलब अंकल वाले काका नहीं और ये नीतू सिंह लग रही है और आज ये इन्होंने जो पट्टा पहना है इससे मुझे लगता है कि ये एक दिन आज ये मिस पार्टी है कल मिस इंडिया होगी परसों मिस वर्ल्ड होगी फिर बस मिस यूनिवर्स होगी और फिर हम सब मिलकर इसको मिस करेंगे इतनी बिजी होगी सो ऑल द बेस्ट तुम जियो करिश्मा हजारों साल यही तहजीद होते रहे सुनील पाल लव यू एंड गॉड ब्लेस यू हंसती रहो हंसाती रहो कामयाबी के हर मुकाम पे अपना घर बसाती रहो और जिसका जिसका माइक है तो मेरे पास रख लो वरना मैं माइक का लाल बोलता ही रहूँगा और इनको सुंदरी जी बात हमें सुनना है नमस्कार लव यू ऑल मेरा खाना लग चुका है जा रहा हूँ भूखे यार किसके खाए पे इस टाइम मुझे नहीं पता था कि मतलब मेरे बुलावे पे इतने सारे लोग आएंगे मुझे लगता था कि बहुत सब लोग अपने अपने कामों में बिजी हैं और मेहनत कर बार समय होता है सो आई एम रियली फीलिंग सो मच ब्लेस्ड विद दिस ब्यूटिफुल इवनिंग थैंक यू सो मच एवरीवन थैंक यू सो मच वंस अगैन फॉर जॉइनिंग मी एंड मेकिंग माई बर्थडे Special is really a very small word to say. It is above. Thank you. और एक करिश्मा के बर्थडे पर आज हमें ये अनाउंसमेंट करनी है कि हमारी फिल्म गाली गलौज जो गाली गलौज नाम जरूर है इस फिल्म में गाली गलौज नहीं है इसमें प्रकाश ने भी एक्टिंग की है और बहुत अच्छा एक छोटा सा गाना भी गाया है तो फिल्म आ रही रिलीज़ हो रही है ये दिसंबर या जनवरी सेकेंड वीक तक आ जाएगी फिल्म साफ सुथरी है गाली गलौज के खिलाफ है जरूर देखिएगा फिल्म गाली गलौज जरूर देखिएगा सुनील भाई की पिक्चर गाली गलौज सुनील सर आज कितना एंजॉय करने वाले हो बर्थडे पार्टी मैं बहुत एंजॉय करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पर खाना भी है और जहाँ होता है खाना मैं वहाँ हो जाता हूँ दीवाना और टेस्टी फूड बनाते हैं ये लोग इनके पास में कई बार खाने का मौका मिला बहुत ही गाना और खाना यही तो दो पसंद है इनकी इसलिए बिना खाना मत जाना और गाना सुन वरना सपने में आएगा कल्याण जी जाना जी मेरे एक्चुअली दो प्रोजेक्ट अभी जस्ट रिलीज हुए हैं एक एमएक्स प्लेयर पे हुआ है दैट इज असली लखनवी रोबो जो कि एक टेक्नो सीरीज है और प्लीज आप सब जरूर से देखें एमएक्स प्लेयर पे है एग्जैक्टली दैट इज द फर्स्ट सीजन एंड बहुत जल्दी वी आर मतलब पीपल आर प्लानिंग टू मेक इट फॉर द सीजन टू ऑल्सो सो
दूसरी चल रही है ऑन हतरंगी दैट इज इत्र। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है आई विल बी रियली हैप्पी अगर आप सब मेरी सीरीज देखेंगे और मुझे बताएंगे कि और हम दोनों का एक बहुत बढ़िया शानदार गाना आ रहा है उसका अनाउंसमेंट मैं अगली बार करूंगा। इधर एक ये एंड दिस इज द सीक्रेट और ये जो सॉन्ग आ रहा है ये मेरा प्रकाश जी का सॉन्ग है व्हिच इज गोइंग टू बी रिलीज वेरी सून और उस रिलीज में हमें आप सबकी जरूरत है, आप सबकी ब्लेसिंग्स की जरूरत है क्योंकि दैट इज रियली स्पेशल टू बोथ ऑफ अस एंड आई नो आप सुनने के बाद वो आपके लिए भी बहुत स्पेशल होने वाला है। दैट इज रियली अवेटेड सॉन्ग फॉर बोथ ऑफ अस एंड फॉर आज बड़ी बहुत ही खुशी का मौका है कि करिश्मा राव जो है बहुत ही अच्छी अदाकारा हैं, कलाकार हैं, बहुत ही अच्छी टैलेंटेड सिंगर हैं और अच्छी उद्घोषिका भी हैं ये। उन्होंने कई कार्यक्रम मेरे होस्ट किए हैं तो मैं ढेरों शुभकामनाएँ देता हूँ और मैं इन्हें दुआ देता हूँ कि उनकी सारी ख्वाहिशें आज पूरी हों क्योंकि आज का दिन बहुत ही खास है। आज 17 दिसंबर है और 17 दिसंबर एक ऐसी तारीख है जो आज इस पृथ्वी पर इनका जन्म हुआ और इन्हें ईश्वर ने खास बनाया क्योंकि एक कलाकार है, कलाकार हमेशा खास होता है क्योंकि ईश्वर जो है ऐसे चंद लोगों को कुछ अदाकारी देता है उनके बाड़ी में उनके चित्र में माँ सरस्वती का वास है इनकी दिव्या पे बहुत अच्छा गाती है नहीं ये किस तरह से सपोर्ट रहेगा पूरा सपोर्ट है बीइंग ए म्यूजिक कंपनी में हमेशा सपोर्ट करता हूँ। हमेशा जब भी मेरा कोई कार्यक्रम होता प्रोग्राम होता प्रकाश मेरे भाई हैं हमेशा हम लोग एक वी आर ए फैमिली मैं एक फैमिली मेम्बर की तरह हैं हम कहीं रहे ना रहें लेकिन एक परिवार है एक परिवार की तरह हम लोग रहते हैं। हम रोज भले ही ना मिले लेकिन जब भी मिलते हैं तो वही प्यार मोहब्बत वही आत्मीयता हमेशा लगाव रहता है ना। तो इसी तरह से वी आर ए फैमिली और एक फैमिली मेम्बर की तरह हम लोग हैं और बड़ी खुशी की बात है। तो कितना इंजॉय करने वाले बहुत इंजॉय किया आज बड़ा मज़ा आया। मैं तो अक्सर ड्रिंक भी नहीं लेता लेकिन आज इसके बर्थडे के खुशी में मैंने एक ड्रिंक भी लिया और मुझे अच्छा लगा कि चलो भाई आज इंजॉय करेंगे अच्छा लगेगा और हमेशा ऐसा होना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी 4 दिन की है और 4 दिन की ज़िंदगी में हम अच्छे से हंसी खुशी एक दूसरे से बातचीत करें प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी गुजर जाए ये सबसे बड़ी बात है। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद मैं करिश्मा का करूंगी और प्रकाश जी का जिन्होंने मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया है और भगवान इनको बहुत सारी खुशियाँ दे ये ऐसे ही तरक्की करते रहे और आगे बढ़ते रहे और साथ साथ हम भी आगे हैप्पी बर्थडे आपका बहुत इम्पोर्टेंट है कीमती समय मुझे दिया आई एम रियली ब्लेस्ड एवरी वन थैंक यू थैंक यू थैंक यू।